हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली जो इतना इंतजार करने के बाद जो है ये बॉक्स मेरे पास आ चुका है जो कि है Realme का 6 Pro। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इसी की अनबॉक्सिंग, देखेंगे क्या कुछ खास और मजेदार स्पेक्स हमें इस फोन में देखने को मिल जाते हैं, साथ में देखेंगे क्या बॉक्स कंटेंट दिया हुआ और लास्ट में जानेंगे इसके प्राइस और वेरिएंट के बारे में। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तब तक के लिए चैनल पे आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। सामने की तरफ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है Realme का 6 Pro, ब्रांडिंग की हुई है। लेफ्ट साइड में भी आपको सेम चीज देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ में आपको प्राइसिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, स्पेक्स वगैरह कुछ देखने को मिल जाएंगे और कंटेंट वगैरह क्या दिया हुआ है इस बॉक्स के अंदर। बाकी पीछे की तरफ देख ले तो पीछे में कुछ हाइलाइट्स दिया हुआ है, जैसे कि आपका 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है, इन डिस्प्ले डुअल सेल्फी, 90 हर्ट्ज का स्मूथ डिस्प्ले देखने मिल जाता है, 30 वॉट का फ्लैश चार्ज है 4300mAh बैटरी के साथ में, और साथ में हमें 720G का में प्रोसेसर देखने मिल जाता है जो कि कॉलकॉम का है। तो आइए फटाफट से कर लेते हैं बॉक्स को ओपन। तो मैं ओपन करने वाला हूँ मेरी फेवरेट रामपुरी से, तो फटाफट से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। और ये मैं इसको जो है कर लेता हूँ अनबॉक्स, बहुत ही डिले हो गया था ये पैकेज, एनी हाउ जो है पैकेज पहुंच गया मेरे पास जल्दी से, तो मैं भी जो है आपके लिए लेकर आ गया हूं इसकी वीडियो। तो ये मैं इसको कर लेता हूं अनबॉक्स, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ तरीके से, जैसे कि जब आप आईफोन के बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं तो इतना ही स्मूथ जो है ये पैकेज जो है निकल रहा है। मैं इसको फटाफट से निकाल देता हूँ और देख लेते हैं क्या क्या हमें बॉक्स कंटेंट वगैरह देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले तो हमें एक ये पैम्पलेट, एक कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू रियलमी फैमिली, रियलमी की तरफ से लेट्स एम्ब्रेस अ न्यू जर्नी। तो इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या देखने को मिल जाता है कंटेंट वगैरह। तो इसमें हमें दिया गया कुछ रीडिंग मैनुअल्स वगैरह हमें देखने को मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं रीडिंग गाइड्स वगैरह दिए हुए हैं, और साथ में हमें ये कुछ देखने को मिल जाता है वारंटी कार्ड वगैरह, और ये हमें एक बहुत ही अच्छा सा एक थिक केस देखने को मिलता है जो कि हमें Xiaomi में बहुत ही हल्का सा देखने को मिलता है। बाकी जो है ये ब्लैक शेड में दिया गया तो और भी अच्छा लुक देगा फ़ोन को। तो इसको रखते हैं साइड में, बाकी देख लेते हैं और क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो इसके अंदर हमें कुछ भी और देखने को नहीं मिलता, और ये देख लें नीचे की तरफ हमें दिया गया है ये फ़ोन, तो इसको रखते हैं साइड में और देख लेते हैं नीचे बॉक्स में कंटेंट क्या क्या है। तो नीचे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता, ये हमें देखने को मिल जाता है चार्जर। तो ये चार्जर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया पावर ब्रिक दिया हुआ है, जो कि है रेटिंग आप देख सकते हैं 5 वोल्ट 6 एम्पियर का मैक्सिमम है, जो कि 30 वॉट का चार्जर हमें देखने को मिल जाता है। और साथ में जो हमें ये केबल देखने को मिलती है, ये आप देख सकते हैं हमें टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है, और साथ में जो है येलो कलर की जो ब्रेडिंग की हुई है अंदर में, वो जो है रियलमी का थोड़ा सा लुक और भी बढ़ा देता है चार्जिंग केबल वगैरह का। और ये हमें देखने को मिल जाता है ये सिम इजेक्टिंग टूल देखने को मिल जाता है। तो ये सब कंटेंट वगैरह रखते हैं साइड में, अब आ जाते हैं हम अपने मेन फ़ोन पे। तो फ़ोन का लुक कैसा है, तो फटाफट से हम जो है फ़ोन को रिवील कर लेते हैं। तो ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट मोमेंट है जब फ़ोन का लुक जो है आपके सामने आता है। तो ये तो यार कसम से बवाल है, ये देख सकते हो यार बहुत ही कमाल का लुक देखने में लग रहा है। मतलब अगर आप रियलिटी में देखोगे ना आप इसके फैन हो जाओगे, मतलब जो इसका डिजाइनिंग का जो टेक्सचर दिया हुआ है ना वो बहुत ही कमाल का एकदम अट्रैक्टिव दिया हुआ है। मैं इसके ये स्टिकर को उतार देता हूँ फटाफट से, तो ये मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब आप देख लो क्लीन एंड क्लियर डिजाइन बहुत ही कमाल के लुक के साथ में, यार क्या गजब का शेड लग रहा है, बहुत ही कमाल का हमें देखने को मिल जाता है। मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा, मतलब जितना पिक में नहीं दिख रहा था उससे ज़्यादा तो मेरे को रियलिटी में पसंद आ गया ये डिस्प्ले, बहुत ही कमाल का इसका पीछे का लुक दिया गया है। क्वाड कैमरे का सेटअप वगैरह हमें देखने को मिल जाता है और सामने की तरफ भी हमें देखने को मिल जाता है। तो फ़ोन को हम फटाफट से कर लेते हैं बूट, तब तक बात करते हैं इसके कुछ स्पेक्स वगैरह की। तो राइट साइड में हमें देखने को मिल जाता है ये पावर अनलॉक बटन ऑन एंड ऑफ वाला, जिसमें हमें दिया गया है इनबिल्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर भी हमें देखने को मिल जाता है क्योंकि ये फ्लैट दिया हुआ है। साथ में हमें ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ हमें सेकेंडरी माइक्रोफोन वगैरह देखने को मिल जाता है, और लेफ्ट साइड में देखा तो लेफ्ट साइड में हमें सिम ट्रे वगैरह देखने को मिल जाती है। तो सिम ट्रे भी हम निकाल के देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, सिम ट्रे में हाइब्रिड है या फिर क्या है, तो ये हम निकाल के देख लेते हैं। तो ये हमें जो है डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट की हमें ट्रिपल स्लॉट वाली ट्रे देखने को मिल जाती है, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है कि हमें ट्रे बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। और साथ में ये वॉल्यूम रॉकर बटन वगैरह दिया हुआ है, और नीचे की तरफ हमें देखने को मिल जाता है 3.5mm जैक, तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है कि जैक नहीं हटाया गया है। साथ में हमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, स्पीकर के ग्रिल है, माइक्रोफोन दिया हुआ है। तो फोन आप देख सकते हैं कसम से यार सेक्सी फोन लग रहा है, लुक आप देख सकते हो बहुत ही कमाल का लग रहा है, मतलब लुक के मामले में तो मैं इसको 10 out of 10 देना चाहूंगा। बहुत ही कमाल का फिनिशिंग लुक बहुत ही कमाल का दिया गया, ग्लॉसी लुक टाइप से दिया गया, मैट दिया होता तो मुझे नहीं लगता इसका लुक आता, ग्लॉसी में इसका लुक एकदम शानदार आ रहा है। और फटाफट से मैं इसको सेटअप कर लेता हूं, तब मैं आपको नेक्स्ट होम स्क्रीन पे लेके चलता हूं।
ये आप देख सकते हैं वेलकम टू रियल मी यूआई, ये आप देख सकते हैं गेट स्टार्टेड में कर दे रहा हूँ, और ये आप देख सकते हैं द मेन पेज जो ओपन हो चुका है, बहुत ही कमाल का है। न्यू फोन टैप हियर टू माइग्रेट टू ओल्ड डेटा, तो अगर आपको ओल्ड डेटा वगैरह माइग्रेट करना है इधर से उधर तो आप वो कर सकते हैं। लुक आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल का है, आउटस्टैंडिंग है। डिस्प्ले की मैं बात करूँ तो डिस्प्ले बहुत ही कमाल का दिया गया है, 6.6 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने में मिलता है, जो कि है IPS LCD डिस्प्ले, और एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो हमें देखने को मिल जाता है। साथ में हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, मतलब गेमिंग का जो एक्सपीरियंस होगा वो एक नेक्स्ट लेवल होने वाला है, बहुत ही कमाल का। और साथ में हमें जो है देखने को मिल जाता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी हमें देखने को मिल जाता है, फ्रंट में भी ग्लास दिया गया है और बैक में भी ग्लास देखने को मिल जाता है। मैं तो यार सच में फैन हो गया हूँ इसके लुक का। और साथ ही जो हम बात कर लेते हैं और इसके फीचर्स वगैरह की और सेटिंग्स में हम चल के देख लेते हैं क्या क्या हमें और भी देखने को मिल जाता है, तो चलते हैं हम सेटिंग्स में और इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। रियल मी लैब वगैरह दिया हुआ है, अबाउट फोन सेक्शन में चलते हैं तो ये आप देख सकते हैं सारे डिटेल दिए गए। रियल मी UI का 1.0 देखने को मिल जाता है, एंड्रॉयड वर्जन जो दिया गया वो है एंड्रॉयड का 10, और साथ में प्रोसेसर की मैं बात करूं तो प्रोसेसर दिया गया स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, बहुत ही कमाल का है। एड्रिनो 618 GPU के साथ में आता है, और जो वेरिएंट है ये आपका 128GB वाला वेरिएंट है जिसमें हमें 112GB देखने को मिला है, और वेरिएंट का रैम जो आप देख सकते हैं ये 8GB रैम वाला वेरिएंट देखने को मिलता है, तो 8GB 128GB वाला दिया गया है। सिम कार्ड अभी इसमें लगा हुआ नहीं है, तो ये इसके वेरिएंट के बारे में है। बाकी अब हम बात करते हैं इसका मेन चीज जो कि है इसका कैमरा। सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसकी स्मूथनेस को लेकर, बहुत ही कमाल का स्मूथनेस है, ये आप देख सकते हैं इतना स्मूथ चल रहा है मतलब एकदम मक्खन की तरह। और सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके क्वाड कैमरे के सेटअप को, तो क्वाड कैमरे में हम सेटिंग वगैरह देख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं ओके कर सकते हैं, और इसमें हमें कई सारे मोड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया फोटो पोर्ट्रेट मोड है, 64 मेगापिक्सल के लिए अलग से एक मोड देखने को मिल जाता है, और मोड वगैरह भी और भी हमें देखने को मिल जाता है, जैसे कि अल्ट्रा मैक्रो मोड है, टाइम लैप्स वगैरह, स्लो मोशन वगैरह है, एक्सपोर्ट प्रो मोड है, पनोरमा वगैरह है, और साथ में हमें नाइट मोड भी देखने को मिल जाता है, तो मोड वगैरह हमें बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। और साथ में अब हम सेल्फी कैमरे की बात करें तो सेल्फी कैमरा भी आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल का है, क्लैरिटी जो दी गई है वो बहुत ही कमाल की, आप शॉट सामने देख सकते हैं बहुत ही कमाल की क्लैरिटी हमें देखने को मिल जाती है, मतलब फोन की क्वालिटी यार सच में बहुत ही कमाल की दी गई है। स्पेक्स की मैं बात करूं तो हमें जो है ये क्वाड कैमरे का जो सेटअप देखने को मिलता है उसमें हमें मेन सेंसर दिया गया है, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाता है F1.8 अपर्चर के साथ में, जो कि सैमसंग का GW1 सेंसर दिया गया है, और साथ में बात करें 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, तो ये मेरे को पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आया कि हमें 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया, और साथ में हमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो हमें देखने को मिल जाता है। और सेल्फी कैमरे की बात करें तो सेल्फी कैमरा आपने गौर नहीं किया होगा, सेल्फी कैमरा दिया गया है डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं जैसे ही जो है मैं सेल्फी कैमरे पे क्लिक करूंगा यहां आप देख सकते हैं गोल कलर का इस टाइप से रिंग लाइट जलती है, तो डुअल कैमरा मिल जाता है। 16 मेगापिक्सल का सोनी का IMX471 सेंसर दिया गया है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड हमें देखने को मिल जाता है, तो लुक बहुत ही कमाल का, सेल्फी कैमरे का जो आउटपुट है वो बहुत ही कमाल का है। बाकी इसके फिजिकल स्पेक्स वगैरह सब कुछ एकदम मजेदार देखने मिल जाते हैं। बात करते हैं इसके अंदर जो हिडन है बैटरी की, तो वो बैटरी हमें देखने को मिल जाती है 4300 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, तो सोचिए कितनी कमाल की चीज़ है कि बड़ी बैटरी दी गई है, 30W का फास्ट चार्जर हमें ये देखने को मिल जाता है। तो कंपनी कहती है कि ये फ़ोन जो है आपका ऑलमोस्ट 1 आवर के अंदर अंदर जो है 0 से 100% चार्ज हो जाएगा, तो यार मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड इस फोन को लेके, बहुत ही मुश्किल से तो मैंने परचेस किया इसको, बाकी जैसे इसमें डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट वगैरह दिया हुआ है, टाइप सी पोर्ट वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो ये सारे स्पेक्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की, जो हमें इसके बटन में देखने को मिलता है कितना फास्ट प्रोसेसिंग करता है ये, तो चलते हैं सेटिंग में चल के। अब फिंगरप्रिंट अनलॉक सेव हो चुका है, और जैसे ही मैं टच करता हूं ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं मैंने इसको लीव कर दिया, और अब मैं इसको टच करता हूं ये आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल का सुपर फास्ट दिया गया है, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं आपको क्लोजली करके दिखा रहा हूं, ये आप देख सकते हैं ये मैंने जो है इसको लीव कर दिया और मैं टच किया और ये देख सकते हैं इतना, मतलब मैंने छुआते हटा दिया है और फोन जो है अनलॉक हो चुका है, मतलब सुपर फास्ट दिया गया है फिंगरप्रिंट अनलॉक जो दिया गया है, आपको जो है बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लगने वाला कि आपको जो है अनलॉक करना है या फिर जो है ऑफ करना है, आपको सीधे ऑन एंड ऑफ वाली बटन दबानी और जो है फोन जो है अनलॉक हो जाएगा सिंपली, एकदम आराम से सुपर फास्ट जो है अनलॉक हो जाएगा। तो यार सच में बहुत ही कमाल का फोन हमें देखने को मिल गया है रियलमी की तरफ से,
अब मैं इसके वेरिएंट और प्राइस की बात करूं तो 8GB रैम 128GB मैंने परचेस किया है जिसकी प्राइस पड़ी है 19999 की, तो ऑलमोस्ट 20,000 रुपए का हमें वेरिएंट पड़ा है, तो बहुत ही कमाल का है, फोन बहुत ही मजेदार है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो अनबॉक्सिंग का Realme 6 Pro का आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार लगा हो, तो वीडियो को एक थम्स अप लाइक तो जरूर से कर ही दीजिएगा। साथ ही जो इस वीडियो को जो है आपका क्या ओपिनियन, आपके क्या थॉट्स है इस मोबाइल के रिगार्डिंग जो है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की मजेदार वीडियो जो है मेरे चैनल पे आती रहती है। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।